वाह क्या बढ़िया खाना दिख रहा है ना। आज का ये रेसिपी बहुत बहुत अच्छा है और मेरा और मेरे फैमिली का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। मुझे लगता है इसे देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। श्योर जी हाँ, ये हरे मटर की दाल है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं, देर किस बात की। इस रेसिपी को बनाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। मटर की दाल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो हरे मटर के दाने, जिसे मैंने पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लिया है, और लिया है 2 बड़े प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है, 4 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे बाद में ग्रेट करके डालेंगे। खड़े मसाले में मैंने लिया है 1 तेजपत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 बड़ी इलायची आप एक भी ले सकते हैं। इसके अलावा सूखे मसाले में लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून सरसों का तेल इसे बनाने के लिए। सबसे पहले गैस ऑन करके कुकर गरम करेंगे। कुकर गरम हो जाए उसमें डालेंगे ऑयल। जब ऑयल खूब गरम हो जाए, क्योंकि सरसों तेल है इसलिए खूब गरम करना ऑयल को बहुत जरूरी है, तब इसमें डालेंगे सभी खड़े मसाले और हरी मिर्च भी साथ ही डाल देंगे। बस इसके बाद तुरंत हम डालेंगे प्याज और इसे थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। आपने देखा इसमें मैंने हींग की क्वांटिटी ज्यादा रखी है, इसलिए क्योंकि सर्दी में हींग खाना भी चाहिए। हींग गर्म होता है और इसे डाइजेशन भी ठीक रहता है। जब भी मैं मटर या चने की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ किसी भी सीजन में, तो हींग की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा डालती हूँ, क्योंकि इससे एसिडिटी नहीं होती। ज्यादातर मटर और चने की रेसिपी से कुछ भी बनाते हैं तो थोड़ी एसिडिटी हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है, तो हींग से वो सेटल रहता है। प्याज अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। यहीं पर हम ऐड करेंगे सभी सूखे मसाले और अदरक को ग्रेट करके डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को ज्यादा नहीं भूनना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक ही भूने। अगर आपको इसमें टमाटर डालना है तो इसी समय टमाटर ऐड करना है आपको। मुझे इस रेसिपी के साथ टमाटर पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। 2 मिनट हो गया है, अब इसमें मटर ऐड करेंगे और मसाले के साथ मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसे भी मिक्स करेंगे। मटर को बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और इन सबको बस 5 मिनट तक ही भूनेंगे। 5 मिनट हो गया है, अब इसमें डालेंगे 200 ml पानी, ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको लगता है बाद में कि पानी की और जरूरत है, पतला दाल चाहिए, तो आप और गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, गर्म पानी ही डालना है। और कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लग हो गया है। 2 सीटी के बाद गैस का फ्लेम लो करके 7 से 8 मिनट तक और पकाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है। देखिए दाल तो बहुत दाल की तरह दिख ही नहीं रहा है, ऐसा दाल कोई थोड़ी ना खाता है। तो अभी गर्मा गर्म ही इसे दाल मथनी से मिक्स करके इसका पेस्ट जैसा बना लेंगे। अब देखिए ये परफेक्ट दाल की तरह दिख रहा है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आइए देखते हैं किसके साथ मटर की दाल मैं सर्व कर रही हूँ। ये राइस के साथ बहुत बहुत डिलीशियस लगता है। इसे सर्व करते समय दाल में थोड़ा देसी घी जरूर डालें। देसी घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें। इसे चावल, आलू का भुजिया जो बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, और उसके साथ ऑनियन सैलेड। आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना देखकर। मुझे भी बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं भी बहुत जल्दी अब लंच करने जा रही हूँ। तो आप भी जल्दी से बनाइए इस रेसिपी को, कहीं मटर का सीजन चला ना जाए। कैसा लगा मेरा रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ।